अक्सर 1 मार्च को टोरंटो में सीट लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनसाइड, आउटसाइड नहीं। आउटसाइड तो बहुत ज़्यादा सर्दी, स्नो है, कोल्ड है, वेरी कोल्ड, तो इनसाइड लगाते हैं। मेरे पास टमाटर के सीड हैं जो कि मैंने अपने गार्डन के टमाटर से सेव किए हैं। टमाटरों को काटा जो बड़े बड़े थे, उनमें से सीड निकाले, उसे खुशक किया और रख लिए। आज 14 मार्च है, आज मैं ये बीज, ये सीड अपने गमले में लगाऊंगी और इनमें से जो प्लांट निकलेंगे उनको मई के एंड तक घर में अंदर रखना होगा, बाहर नहीं। वो पनीरी कहते हैं, उससे पनीरी बन जाती है, उसे अंदर रखा जाता है। जब मई का एंड आता है उस वक़्त हम देखते हैं हमारा मौसम तब्दील हो गया, फिर हम उसको बाहर लगाते हैं और बहुत अच्छे ये ग्रो होते हैं, बहुत ज़्यादा टमाटर देते हैं। ये देखिए, ये आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टमाटर है, लंबे लंबे टमाटर अच्छे होते हैं, रोमा किस्म के या है, लेकिन ये रोमा से ज़्यादा अच्छे हैं। और ये दूसरी किस्म है, ये बहुत बड़े तकरीबन पौंड पौंड का टमाटर होता है। और ये तीसरी किस्म है, ये भी आप कह सकते हैं कि एक एक पौंड का टमाटर है। ये छोटे छोटे मैंने पॉट लिए हैं, इसमें मिट्टी डाली है और इस मिट्टी में सीड डाल देंगे और उस पर पानी डाल देंगे, 2-3 दिन में ये टमाटर के प्लांट निकलना शुरू हो जाएंगे। और जब अप्रैल आएगा, अप्रैल में मैं दूसरे भी सीड लगाऊंगी। ये सीड लगाती हैं, अब इसके ऊपर मिट्टी डालूंगी और पानी। चंद दिनों में छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने प्लांट पौधे निकल कर आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये मेरे प्लांट का, मेरे पौधे का पहला टमाटर है। बीज के लिए, सीड के लिए अगर आपने कोई टमाटर है या कोई भी वेजिटेबल है, उसका जो फर्स्ट फ्रूट होता है, फर्स्ट टमाटर या आप कह लेंगे या जो कुछ भी आप रखना चाहते हैं, उस पहले फ्रूट को रखते हैं, उसको तोड़ते नहीं। ये खुद प्लांट पे, दरख्त पे, पौधे पे रेडी होना चाहिए। अब ये हमारा रेडी हो गया, बिल्कुल लाल हो गया। अब मैं इसको काटूंगी, इसको यूज़ कर लेंगे इस पार्ट को, और जो अंदर इसके सीड हैं वो हम रख लेंगे, सेव कर लेंगे अगले साल उगाने के लिए। ये देखिए, मैं आपके सामने काट रही हूँ, बहुत सॉफ्ट हो चुका है। इसमें देखें, आपको सीड नज़र नहीं आएंगे। मैं एक हाथ से मूवी बना रही हूँ, एक हाथ से काट रही हूँ, तो मुझसे फिर होता नहीं। ये देखिए आप, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें, इसमें मैं रोशनी में कर रही हूँ, ये रोशनी में देखिए, इसमें सीड आपको नज़र नहीं आएंगे, बहुत कम सीड हैं, बहुत ही कम। ये देखिए, बर्गर टमाटर जिसको कहते हैं, ये वो हैं। इसको हम यहाँ से निकालेंगे, ये, और यहाँ से निकालेंगे, कुछ चंद दाने सीड के निकलेंगे। और इसका छिलका आप देखें, ये इस तरह सॉफ्ट होता है, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने पकड़ा है,
और ये हाथ में आके बिल्कुल बारीक छिलका ये उतर जाएगा। ये देखें इतनी अच्छी नस्ल का ये टमाटर है कि इसका छिलका जो है ना इस तरह आप उतार लें, कोई गरम करने की कोई काटने की इसको ज़रूरत नहीं, ऐसे आप करेंगे पूरा छिलका आपके हाथ में और इसका छिलका भी आप देखें इतना बारीक है, रोशनी में दिखाती हूँ, इतना बारीक है ये देखें कागज़ से भी बारीक, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कागज़ से भी बारीक छिलका। अब मैं काटती हूँ आप देखिएगा, मैं इसकी सीड निकालती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, देखिएगा इसके मैंने चार पीस कर दिए, ये चार पीस में डिवाइड हो गया, पूरी प्लेट ये क्वार्टर प्लेट है ये पूरा भर गया है, ठीक है। इसमें देखें कहीं से आपको सीड नज़र नहीं आएंगे, ये देखिए ठीक है, सिर्फ ये चंद सीड हैं, ये पता नहीं वो निकलते हैं कि नहीं निकलते। इसको देखिए दूसरा पीस, ये तीसरा पीस, ये फुल जो है भरा हुआ गूदे से, इसमें पानी नहीं, इसको हाथ से पकड़ के खींचा मैंने छिलका निकल गया। ये देखिए यहाँ से भी मैं काटती हूँ, इसमें आपको सीड नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल सीड नहीं, कोई एक दो सीड है ये अगर निकल गए तो, ये वरना इसमें सीड बहुत कम होता है, सिर्फ गूदा होता है। ये मैं निकाल ली हूँ, शायद इसमें कोई सीड हो जाए बने हुए तो मिल जाएंगे हमें। ये पूरा टमाटर आप कह लें आधा किलो का है और इसका ये जो छिलका है मैंने उतार रही हूँ, पकड़ के खींचा पूरा निकल गया आ गया। ये लहसुन के ऊपर जो बारीक छिलका होता है उससे भी बारीक है, जिस तरह नाइलॉन का दुपट्टा कह लें आप उसके जितना बारीक है, और ये सिर्फ टमाटर आधा किलो 1 पाउंड। दूसरा प्लांट है इस पर भी लगे, बहुत बड़े बड़े टमाटर हैं, ये कम लगते हैं, मैं तो फूलों की कैरी में लगा दिए थे ये लग गए मेरे। ये एक और प्लांट है जिसमें देखिए माशाल्लाह, ये देखिए तकरीबन ये आधा आधा किलो का एक एक टमाटर है, वो देखिए वो सामने वाला ये बहुत बड़ा है, ये देखिए भरा पड़ा है ये मेरा पौधा, लेकिन ये ज़्यादा नहीं 10, 11, 12 से ज़्यादा नहीं लगते। ये एक और है, ये देखिए ये दो वो है एक दो और ये उसके ऊपर तीन, ये उसके ऊपर बहुत बड़ा डबल टमाटर है 4 और अंदर काफ़ी लगे हुए हैं, काफ़ी फैल गए और ये मेरे रेड हो गए हैं। ये एक पौधा मेरा एक प्लांट, ये देख सकते हैं आप एक, ये इसकी एक ब्रांच निकली, इसके इस पत्ते पे टमाटर आ गए, इस पत्ते पे ये दूसरी ब्रांच निकली, इस पे ये टमाटर आ गए, 6-6 का गुच्छ 6।
है।